नमस्कार प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकिता, ये आपको एक बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। अधिवक्ताओं ने शोक सभा कर दी श्रद्धांजलि। बार एसोसिएशन मेजा के सदस्य रमेश मिश्र, एडवोकेट निवासी ग्राम देवहटा की लड़की स्वप्निल व उनके परिवार के कुलदीप मिश्र की पुत्री साक्षी की कल गंगा नदी में डूबने से मृत्यु की खबर सुनते ही अधिवक्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मेजा तहसील परिषद में अध्यक्ष अजय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में समस्त अधिवक्ताओं ने शोक सभा कर 2 मिनट का मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्ष तुलसीदास ने कहा, ईश्वर शोक संतृप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तुलसीदास तिवारी ने बताया, आज अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। शोक सभा में मुख्य रूप से बार मंत्री राजकुमार तिवारी, उपाध्यक्ष रमेश बाबू मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद दुबे सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज मेजा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।